18 दिसंबर गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोरमी के लालपुर धाम पहुंचे। उनके आगमन पर समाज के लोगों ने ऐतिहासिक स्वागत किया, साथ ही प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। जैसे ही मुख्यमंत्री का आगमन मंच पर हुआ, समाज के लोगों के द्वारा एक बड़े माला के साथ उनका स्वागत किया गया। सबसे पहले साय ने बाबा के चरणों पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रार्थना की और प्रदेश के लिए खुशहाली की प्रार्थना किया। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी का वादा पूरा किया जाएगा। हमने जो अपने घोषणा पत्र को प्रदेश की जनता को दिया है, उस पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, किसानों का धान 21 क्विंटल में खरीदेंगे, आवास भी पूरे गरीबों को दिया जाएगा। उसके साथ ही समाज के लोगों ने जो आरक्षण के लिए मांग की है, उस पर भी विचार कर उसे अमल किया जाएगा। समाज के लोगों ने कहा कि लालपुर धाम को सजाने के लिए वहां पर सेट की मांग की, जिसे सहजता के साथ मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही इस पर काम किया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने उद्बोधन पर सभी को 18 दिसंबर घासीदास जयंती की बधाई दी और उन्होंने भी देश के प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के बारे में अपनी बात रखी। मुंगेली के विधायक पुन्नू लाल मोहल्ले ने अपने कविता स्वरूप उद्बोधन में पूरी जनता को मोह लिया और उन्होंने कविता के माध्यम से समाज और मुख्यमंत्री को प्रफुल्ल कर दिया। रोडपुरी के बाद लालपुर का एक कार्यक्रम दूसरे नंबर का है और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होते हैं यहाँ पर आते रहे हैं, उसी परंपरा का निरोहन करते हुए हम सभी दिल्ली से आकर यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हम पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और बाबा जी से प्रार्थना है ये आशीर्वाद छत्तीसगढ़वासियों पर बरसाएं, छत्तीसगढ़ सुखी हो, समृद्ध हो, ये आशीर्वाद प्रदान। सर मंत्रिमंडल का गठन कब लगा? देखिए लोरमी से साजिद खान की रिपोर्ट।